सभी ने रीवा के लिए लगाई सौगातों की झंडी। 143.20 करोड़ की लागत होंगे 202 विकास कार्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबर दानिस, मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश में 16,961 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने जेल में साइबर तहसीलों का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने उज्जैन में स्थापित विश्व की सबसे पहली विक्रमादित्य वेदी घड़ी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रीवा जिले में 143.20 करोड़ की लागत के 202 कार्यों का शिलान्यास भी हुआ। जिला स्तरीय कार्यक्रम नगर निगम टाउन हॉल में आयोजित किया गया। इसके साथ साथ सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में भी लोकार्पण एवं शिलान्यास के कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के सजीव प्रसारण को बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने सुना। 10.16 करोड़ के कारण नगर निगम के जिला स्तरीय कार्यक्रम नगर निगम टाउन हॉल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष नगर निगम वेंकटेश पांडे ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रदेश में अंतिम छोर तक के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से योजनाएं संचालित की जा रही है। विगत 10 वर्षों में प्रदेश विकास के नित नए आयाम छू रहा है। रीवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उपमुख्यमंत्री में प्रदेश विकास ने नित नए आयाम छू रहा है। रीवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के कुशल नेतृत्व में 22.20 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का भूमि पूजन आज संपन्न हुआ, जिसमें 10.16 करोड़ के कारण नगर निगम क्षेत्र के हैं। जिले में अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा था तथा अधोसंरचना निर्माण के कार्य तीव्र गति से कराए जा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं स्वामित्व योजना के तहत पट्टा वितरण, पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राही एवं स्व सहायता समूह की महिलाओं को भी लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन आयुक्त नगर निगम श्रीमती संस्कृति जैन ने दिया। विकास के नित नए आयाम हो रहे हैं स्थापित। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य के विकसित होने से ही भारत विकसित होगा। मध्य प्रदेश आज विकास की संकल्प यात्रा से जुड़ा है। यहाँ डबल इंजन की सरकार से विकास के नित नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश मेक इंडिया का मजबूत संकल्प बनने की और अग्रसर है। हमारा एमपी अजब है और गजब है। यहाँ अधोसंरचना विकास के साथ साथ सिंचाई सुविधाओं से नई क्रांति आ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने का संकल्प लेकर कार्य किया जा रहा है। बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश में विकास के लिए उमंग का वातावरण बना है। यह गति व प्रगति के साथ सभी क्षेत्रों में कार्य हो रहे हैं। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए किसानों को पशुपालन, मधुमक्खी पालन, डेयरी उद्योग तथा उद्यानिकी जैसी गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश देश अग्रणी औद्योगिक राज्य बनने की ओर अग्रसर है। यहाँ शहरों के साथ साथ गांव में भी लोगों की आमदनी बढ़ने का कार्य प्राथमिकता से कराया जा रहे हैं। रेल व सड़क मार्गों की कनेक्टिविटी बढ़ने से मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। डबल इंजन सरकार से आने वाले समय में भी प्रदेश उच्चतम पायदान पर होगा। आने वाले 5 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के कार्य और अधिक गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आपके सपने ही हमारा संकल्प है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मऊगंज जिला और सिंगरौली जिले में लगभग 1,20,000 हेक्टेयर 1,20,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ सके, क्षेत्रफल बढ़ सके, इसके लिए 4,167 करोड़ रुपए की मंजूरी आज कैबिनेट दी है। एक बहुत बड़ी निर्णय आज हुआ है, जिसमें 663 गांवों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी और वो 4 जिलों को कवर करेगी, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली। तो एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। बाण सागर बहुद्देशीय परियोजना जो रीवा और सीधी को कवर करती है, इसमें बहुत ही नहर को भारत सरकार की मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट वर्क, जिसका 60% केंद्र राशि देता है और 40% राज्य सरकार देता है, इसमें 1,146 करोड़ रुपए की मतलब जो इरीगेशन की मूल योजना थी उसको परिवर्तित करके माइक्रो इरीगेशन में कन्वर्ट किया गया है। इसमें सिंचाई एक बड़े एरिया में सिंचाई से संभव हो सकेगी। कमांड एरिया बढ़ गया, जो पहले बहुत ही में 60,000 हेक्टेयर था वो बढ़ के 80,000 हेक्टेयर हो जाएगा। तो 20,000 हेक्टेयर इस कन्वर्जन के कारण अतिरिक्त सिंचाई संभव हो सकती है।